भेड़िया भीड़ की तो बच्चा चोरी की अफवाहों का बाजार गर्म है। सूबे में इन खबरों ने दहशत पैदा कर दी है। कई जगह ये अफवाहें जानलेवा साबित हो रही हैं। सिर्फ अफवाहों की वजह से कई लोगों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। सीतापुर में बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई, अंबेडकर नगर में भीड़ का अंधा कानून, पीलीभीत में भी बच्चा चोरी का आरोप, भेड़िया भीड़ का ये कैसा इंसाफ। प्रदेश में बच्चा चोरी की घटनाएं हर जिले और कस्बे से लगातार सामने आ रही हैं। बच्चा चोरी की आशंका के चलते भीड़ लोगों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दे रही है, लेकिन इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा अब तक नहीं हो पा रहा है। सीतापुर, ताजा मामला सीतापुर का है, जहां तंबौर थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। लोगों ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा है कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अंबेडकर नगर, वहीं अंबेडकर नगर में पागल भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में दो मजदूरों को बड़ी बेरहमी से पीट दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 24 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीलीभीत में भी बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बिलसंडा थाना क्षेत्र के बमरौली गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार की पत्नी गीता अपनी एक साल की बेटी को लेकर एससी बिलसंडा दवाई लेने गई थी। महिला का आरोप है कि वो पास में ही थी, इतने में पीले रंग के कपड़े पहने एक बाबा आया और उसकी बच्ची को उठाकर भाग गया। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर अज्ञात बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण संज्ञान में आया था, थाना बिलसंडा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसका एक छोटा बच्चा एक डेढ़ साल का है जो गायब हो गया था, जिस पर उसकी एप्लीकेशन पर समुचित धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया और विवेचना की जा रही है।